हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन एंड लाइफस्टाइल विद तनुश्री। एंड यस, मैं हूँ तनुश्री। आप लोग कैसे हो? आई होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ। सो टुडे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बिगिनर्स फ्रेंडली मेकअप किट। तो अगर आप बिगिनर हो, अभी अभी मेकअप करना स्टार्ट किए हो, या फिर आप अगर टीनेजर हो, अपनी पॉकेट मनी से मेकअप किट बनाना चाहते हो, एक पूरा मेकअप किट अपने पास आप रखना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है गाइज। ये वीडियो हर मेकअप लवर के लिए है। आई होप ये जो वीडियो है ये आप सबको हेल्प करेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक बिगिनर किट नहीं है, ये बहुत बजट फ्रेंडली एक मेकअप किट है जो आप सब बना सकते हो। और इसमें जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं वो अफोर्डेबल होने के साथ साथ क्वालिटी में भी अच्छा है, अच्छा काम भी करता है, इसलिए इनको मैंने इस पर इंक्लूड किया है। अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते हो रेगुलरली, या फिर आपने मेरा कोई भी मेकअप वीडियोज़ देखे, आपको पता होगा कि ये सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो मैंने खुद यूज़ करा है। सो या चलिए और इंट्रोडक्शन बड़ा नहीं करते है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। सो या प्लीज़, अगर आपको कुछ भी चाय स्नैक्स लेना है तो आप लेके बैठ सकते हो। बाय द वे, अभी तो रात का टाइम है जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि दिन भर मैं बहुत बिजी थी, तो मैंने सोचा इसको अभी मुझे बनाना ही है, बिकॉज दिस इज़ अ परफेक्ट टाइम टू शेयर दिस वीडियो। क्योंकि अभी बहुत सारी वेबसाइट पर सेल चल रही है, जैसे कि पर्पल पे, नायका पे, सब जगह पर सेल चल रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी टाइम पर मैं ये मेकअप किट आप लोगों से शेयर करूँ, ताकि आप लोग अगर ऑनलाइन कुछ परचेज़ करना चाहो तो वो भी कर सको, और ऑफलाइन की परचेज तब कर ही सकते हो। तो इसीलिए मैंने इसको अभी सेल अभी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं स्टार्ट करूँ। सो या चलिए वीडियो पे मूव ऑन करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को आगे अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए, और उसके पास जो बेल बटन है उसे भी प्लीज़ बजा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुँचे, अब से मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, आपको थोड़ा भी अच्छा लगे, तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम Let's get started. ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बारी आती है प्राइमर की। तो प्राइमर के लिए यहाँ पे मेरे पास है ये वाला ऑप्शन, ये है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है हुडा ब्यूटी प्राइमर। बट गाइस, आप समझ सकते हो, मैंने जो मेकअप किट बनाया है वो अंडर 300 रुपीज़ है। सो हुडा ब्यूटी की तो इतने में नहीं आते, तो ये ड्यूप हुडा ब्यूटी के प्रोडक्ट है गाइस। बट इसको मैंने खुद यूज़ किया है, लाइक अभी भी मैं इसको यूज़ करती हूँ, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इसका फिनिश काफ़ी अच्छा है, वैसे मुझे उतना पोर्स का प्रॉब्लम नहीं है, पर स्टिल ये काफ़ी अच्छा एक फिनिश दे देता है। मेरी मम्मी को है तो मैंने उन पर भी अप्लाई करा है, तो काफ़ी अच्छा फिनिश आता है। तो इसे मैंने ऑनलाइन से परचेज़ किया था, इसे मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया था। अगर मुझे इसका परचेज़ लिंक मिलेगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है, बजट फ्रेंडली, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। इसका प्राइस 200 रुपीज़ के अंडर ही है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दे दूंगी। तो 200 भी नहीं, उससे भी कम था इसका प्राइस, आई गेस 150 के अराउंड था। तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप कोई इंडियन ब्रांड ट्राई करना चाहते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप तो NYBay का ट्राई कर सकते हो, जो आपको पर्पल पे मिल जाएगा, एंड वो भी अराउंड 160 के करीब मिल जाएगा आपको। एंड अभी तो सेल चल रही है, ब्लैक फ्राइडे सेल, तो आप ट्राई कर सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी ब्लू हेवन का परचेस कर सकते हो, जिसका प्राइस है 300 रुपीज़ एग्जैक्टली, तो वो भी आप परचेस कर सकते हो। तो ये था मेरा फर्स्ट ऑप्शन। लाइक नेक्स्ट बारी आती है फाउंडेशन की। तो फाउंडेशन के लिए यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस है, लाइक अगर आप डेली पर्पज़ कुछ चाहते हो, क्योंकि आप मेकअप किट बना रही हो तो हर ऑकेशन के लिए आपके पास चीज़ें होना चाहिए। तो ये सबसे, इस वाले जो हॉल है इसका सबसे, इसका प्राइस सबसे कम है, इसका प्राइस है ओनली 45 रुपीज़। ये फेयर एंड लवली का बीबी क्रीम है, छोटा साइज़ में, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। ये शियर टू मीडियम कवरेज देती है, या फिर आप 9 to 5 लैक्मी की सीसी क्रीम ट्राई कर सकते हो। ये गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे ये बहुत पसंद है रेगुलर पर्पज़ के लिए, या रेगुलर किसी कोई कैजुअल डे आउट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा कवरेज देता है, मुझे ये बहुत पसंद है। तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। ये पे मेरा शेड है 2 Honey। या फिर अगर आप हाई कवरेज चाहते हो तो आपको आँख बंद करके ये ले लेना चाहिए गाइस। ये है मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन, और यहाँ पे मेरा शेड है 115 आइवरी। ये
बहुत ज़्यादा लाइक मुझे लगता है ये बेस्ट फाउंडेशन है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो। इनफैक्ट लैक्मी की भी फाउंडेशन आते है, वो भी मेरे पास था, लाइक अभी नहीं है, लेकिन लैक्मी का भी आता है 140 या 150 रुपीज़ में आ जाता है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन ये वाला गाइस बेस्ट है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इसमें कर सकते हो। इसका प्राइस 300 रुपीज़ है, बट ऑफ मिल जाता है आपको, तो या इसे आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। सो ये तीन ऑप्शन थे मेरे पास। अब बारी आती है कंसीलर की, तो कंसीलर के लिए मेरे पास जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है ये वाला ऑप्शन, जो कि है NY Bay का। मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ, आपने देखा भी होगा मेरे वीडियोस में मैंने इसको यूज़ किया है। तो बहुत ही स्लिक, बहुत ही क्यूट पैकेजिंग है इसका, तो बिल्कुल लिपस्टिक जैसा दिखता है, इस तरीके का है, आप देख सकते हो इस तरीके का है, काफ़ी हैंडी है, अच्छे से आप इसको कैरी भी कर सकते हो कहीं भी अगर जा रहे हो तो। और बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत इजीली ब्लेंड हो जाती है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। इसका प्राइस एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट 200 रुपीज़ के अंडर ही इसका प्राइस है। और यहाँ पर मेरा शेड भी लाइक लगता है शेड नंबर 1 है मेरा, हाँ मेरा शेड नंबर 1 है। सो इसे आप ट्राई कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो। एंड यहाँ पे मेरे पास और एक ऑप्शन है, लाइक अगर आप थोड़ा सा लिक्विड कंसीलर चाहते हो तो आप ADS का ये वाला ट्राई कर सकते हो। आपको ऑफलाइन भी मिलता है और ऑनलाइन बहुत ईजिली मिल जाता है, तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हो। ये वाला भी मैंने ऑनलाइन से परचेस किया था, इसकी लाइक यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो इसका फाउंडेशन वाला पार्ट था वो मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, थोड़ा सा ब्रेकेज भी हो गया था, गिर गया था ये हाथ से। ये वाला मैं ज़्यादा यूज़ भी नहीं करती, बट कंसीलर वाला जो साइड है लाइक ये वाला, ये 2-in-1 प्रोडक्ट है, ये वाला मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मैं इसको यूज़ करती हूँ मेनली आईज़ को, मतलब आई प्राइमर के हिसाब से मैं इसको यूज़ करती हूँ, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो। इनफैक्ट आप NY Bay का भी ट्राई कर सकते हो, NY Bay का जो आप देख सकते हो गाइस कितनी ईजिली ब्लेंड हो जाता है, हैंड की हेल्प से मैंने ब्लेंड कर लिया। यही से आप ट्राई कर सकते हो ADS का, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है ये भी, लाइक इसका प्राइस में भी 120 के आसपास है। और अगर आप NY Bay का ट्राई करना चाहते हो तो उसका प्राइस भी ऑलमोस्ट 160 to 170 के अंदर ही आपको मिल जाएगा, और अभी तो सेल चल रही है तो आप परचेस कर सकते हो। अब बारी आती है कॉम्पैक्ट की, तो कॉम्पैक्ट के लिए मेरे पास अगेन है दो ऑप्शन। पहले वाला ऑप्शन जो है वो लाइक मुझे लगता है सबके पास ही होगा, वो है लैक्मी का रेडिएंट कॉम्पैक्ट। इसका मतलब मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया ये वाला, ये सबके पास ही होगा। ये जो रेडियन कॉम्पैक्ट है, नेचुरल पर्ल ही यहाँ पे मेरा शेड, तो इसका प्राइस 150 है, शायद 150 है, हाँ या आप इसे ट्राई कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, लाइक बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत अच्छे ब्रांड की भी है, लैक्मी का भी है, और काफ़ी भरोसेमंद है, आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन फ़िलहाल मैं यूज़ कर रही हूँ इसे NY Bay का, और मुझे ये बहुत पसंद आया गाइस। NY Bay का कॉम्पैक्ट विद SPF 40 है ये, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसका फिनिश। करेंटली मैं ये मेरी फेवरेट है, इसकी पैकेजिंग वगैरह आप देखो गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसका पाफ भी काफ़ी सही है, आप लाइक टचअप करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ऊपर से इसमें आपको SPF भी मिल रही है, तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हो। इसका प्राइस भी 140 ऐसा है, 140 to 150 के आसपास है, ये भी काफ़ी अच्छा। यहाँ पर मेरा शेड जो है वो है 4 जोई सिल्की बेज लुक, तो या मेरा शेड है 4, तो आप इन दोनों में से कुछ भी ट्राई कर सकते हो। इनफैक्ट आप मेबलिन का भी ट्राई कर सकते हो, मेबलिन का जो कॉम्पैक्ट है वो भी 160-150 के आसपास आ जाते हैं, आप उसे भी ट्राई कर सकते हो। ये हो गया हमारा कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट की बात करें किस चीज़ के लिए, ब्लश की बात करते हैं, तो ब्लश के लिए मैं आपको एक ही ऑप्शन देने वाली हूँ यहाँ पे। लाइक आपको ऑप्शंस तो मिल जाएंगे, बट मेरी नज़र में ये अफोर्डेबल रेंज में काफ़ी अच्छा है, तो वो है हिलारी हुडा का ये वाला ब्लश पैलेट। इसमें आपको 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं, ये 4 ऑप्शंस आपको, इसके साथ ब्रश भी आता है, वो पता नहीं कहाँ गिर गया, बट इसके साथ मिरर भी आते हैं। ये बहुत हैंडी, बहुत अच्छा एक है, इसकी कलर पिगमेंटेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं।
सारे कलर इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं गाइस। इसमें आपको जो भी चाहिए सारे शेड्स है, लाइक आपको क्या चाहिए होता है, आपको पीच कलर है, पिंक, तो आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हो ये वाला ब्लश पैलेट। इसका प्राइस था ओनली 120 रुपीज़। मैंने इसे ऑफलाइन परचेज़ किया था, आपको इसे ऑनलाइन भी मिल जाएगा। सो या इसके बाद बारी आती है कंटोर की। तो कंटोर के लिए सबसे ईजिएस्ट एक वे मैं आपको बता रही हूँ, लाइक ऐसी वाली स्टिक आती है, ये मैंने ऑनलाइन से लिया था, तो ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। तो ये किस ब्यूटी का है कंटूर एंड हाइलाइटर स्टिक। आपको अगर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है या फिर आपका बजट टाइट है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो। इससे आपको दो काम हो जाएगा, एक तो आप ये वाला हाइलाइटिंग शेड है इसमें, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, कहाँ ट्राई करूँ यहाँ करती हूँ, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, आप देख सकते हो हाइलाइटिंग शेड है, बट ये क्रीमी टेक्सचर में है तो विंटर के लिए काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हो बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है, बट समर टाइम भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता ये। एंड द सेकेंड वन इज़, मतलब जो कंटूर वाला साइड है वो ऐसा है, प्रोडक्ट अच्छा है, बहुत ही क्रीमी सा है आप देख सकते हो, लेकिन ये जो शेड है आप देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आता इसका पे ऑफ। आप देख सकते हो ये वाला, इसको आप ब्लेंड करोगी ना तो उतना ज़्यादा नहीं आता, हल्का हल्का सा आता है, लेकिन अगर आप मेकअप बिगिनर हो, थोड़ा बहुत कंटूर ट्राई करते हो तो आप इसको परचेज़ कर सकते हो। इसका प्राइस है आई थिंक 130-140 के आसपास है। मैं सारी चीज़ों की प्राइस आपको स्क्रीन पे दे दूँगी। या फिर आप अगर मतलब कंटूरिंग करना अगर आपको पसंद है तो आप ऐसी वाली जो पैलेट्स आती है उस पर इन्वेस्ट कर सकते हो। ये भी अगेन किस ब्यूटी का है, तो इस तरीके का है ये पैलेट। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा, लाइक इसमें आपको कंसीलर वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा या येलो वाला टोन मिल जाएगा, तो बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएगा, तब इसे ट्राई कर सकते हो। इसकी प्राइस भी ऑलमोस्ट आई थिंक 200 रुपीज़ के आसपास है, तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हो, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो गाइस नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जाने से पहले मैं आपको ये वाला स्पंज दिखा देना चाहती थी, बिकॉज आपके पास एक स्पंज तो होना चाहिए चीज़ों को ब्लेंड करने के लिए, फाउंडेशन को, कंसीलर को, तो आप ऐसी ब्यूटी ब्लेंडर ट्राई कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल नहीं है, बट ये काफ़ी अच्छा है, काम चलानू टाइप्स, तो काफ़ी अच्छा है, लाइक ये काफ़ी सॉफ्ट है, बट ये काफ़ी सॉफ्ट है, अच्छी क्वालिटी की है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो गाइस। ऐसे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आप अगर ऑनलाइन में सर्च करोगी तो आप इसे ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आपको एक ब्लेंडर तो चाहिए, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। मैंने इसे लिया था लोकल मार्केट से 40 रुपीज़ पे, तो यह काफ़ी उस हिसाब से काफ़ी अच्छा। अब आते हैं आई मेकअप के लिए, आई मेकअप के बारे में। तो सबसे पहले आईब्रोज़ को फिल करना होता है, तो आईब्रोज़ को फिल करने के लिए यहाँ पे मेरे पास है आईब्रो पेंसिल, जो कि है NYV की, ये डार्क ब्राउन कलर का है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, लाइक इसमें मेरा वो है, हाँ तो आप देख सकते हो ये वाला कलर है, बहुत डार्क ब्राउन है और आईब्रोज़ को फिल करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मैं यहाँ पे ये आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो, इसका प्राइस 60 या 70 रुपीज़ में आ जाता है। उसके बाद मैं आपको ये बता सकती हूँ, ये म्यूज़िक फ्लावर का ये है तो जेल आईलाइनर इन द कलर डार्क ब्राउन, आप देख सकते हो ये भी बहुत अच्छा है आईब्रोज़ को फिल करने के लिए, लाइक अगर इसको, ये स्मच प्रूफ भी है गाइस, वाटर प्रूफ भी है, स्मच प्रूफ भी है, तो इसे अगर आप ट्राई कर सकते हो, ये 130 रुपीज़ का है, एंड इसे आप जेल आईलाइनर के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हो, एंड अपनी आईब्रोज़ को, इसके साथ ये ब्रश भी आता है, आईब्रोज़ को सेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी सही है, तो आप इसे ले सकते हो। सो या तो ये प्रोडक्ट है मेरे पास। देन उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आईलाइनर, तो आईलाइनर के बारे में बताते हैं, तो सबसे पहले एकदम कम, मतलब सबसे अफोर्डेबल वाला मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है ब्लू हेवन का, इसका प्राइस है शायद 50 रुपीज़, ये 50 रुपीज़ है, तो आप अगर बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो आईलाइनर पे, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा, लाइक जेड ब्लैक कलर है, लेकिन ये स्मच प्रूफ नहीं है। सो या अगर आप बिल्कुल भी लाइक खर्चा नहीं करना चाहते हो तो आप इसे ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज आपको थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप देख सकते हो बहुत ही जेड ब्लैक है बहुत ज़्यादा अच्छा, आप इसे ट्राई कर सकते हो, लेकिन ये स्मच प्रूफ नहीं है, सो ये एक डिसएडवांटेज है। फिर आप ये L18 वाला ट्राई कर सकते हो, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये भी बहुत ज़्यादा जेड ब्लैक कलर है, वाटर रेजिस्टेंस है, ब्लैक आउटलाइनर,
या इसे आप ट्राई कर सकते हो। इसका प्राइस है 80 रुपीज़ आई गेस, सो 80 या 85 ऐसा होगा। बट ये भी अगेन थोड़ा बहुत स्मच प्रूफ है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। बट उससे बेटर है आप, मतलब इस तरीके से रगड़ोगे नहीं तो अच्छे से जाएगा नहीं, तो इसे आप ट्राई कर सकते हो। मेकअप मतलब बिगिनर फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा अच्छा स्टे भी आता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लुक भी आता है, तब इसे ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज़ ये वाला मेरा फर्स्ट आईलाइनर है, लाइक ये वाला नहीं, लैक्मे का आईलाइनर मेरा फर्स्ट है, तो लैक्मे का आप ट्राई कर सकते हो। ये भी 120 रुपीज़ में आ जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको और दो ऑप्शन दिखाने वाली हूँ जो थोड़ा डिफरेंट कलर में है। सो ये दोनों, ये भी लैक्मे के ही है इंस्टा आईलाइनर, इन दोनों शेड में, एक है आपका ऑलिव ग्रीन और दूसरा है गोल्डन कलर। तो गाइस, अगर आप आई शेडो लगाने में उतना ज़्यादा लाइक कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप ऐसी कलरफुल आईलाइनर ट्राई कर सकते हो। आपके मेकअप लुक को बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे लेके जाता है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता है। और ये वाला जो गोल्डन शेड है, ये मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज़ इसे आप ना एज अ आई शेडो भी ट्राई कर सकते हो अगर चाहो तो। सो ये है, लेकिन इसको ड्राई होने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो। बहुत ज़्यादा सुंदर एक गोल्डन कलर आ जाता है, आप देख सकते हो बहुत सुंदर सा गोल्डन कलर आ जाता है। सो आप इसे ट्राई कर सकते हो। उन सबका ही प्राइस सेम है, 120 के आसपास। काजल के लिए सबसे छोटू, सबसे क्यूट, सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन है मेरे पास ये वाला, ये है हिमालया का। इतना सा प्रोडक्ट आपको, मैं थोड़ा सा मैंने यूज़ किया है तो ख़त्म हो गया, तो इतना है। ये भी बिल्कुल जेड ब्लैक है, आप देख सकते हो जेड ब्लैक है एंड बटरी सॉफ्ट है गाइस। आप इसको एज आईलाइनर चाहो तो भी यूज़ कर सकते हो, बट अगेन ये स्मच प्रूफ नहीं है, बट हर्बल काजल है और इसका प्राइस भी शायद 50 रुपीज़ है। तो और भी बहुत सारे काजल है मेरे पास। तो सबसे पहले है ये L18 का आई ड्रामा काजल, जिसका प्राइस है गाइस 110 रुपीज़। सो इसे भी आप ट्राई कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड ऑफ कोर्स लैक्मे का आइकॉनिक काजल, जिसका प्राइस ऑलमोस्ट 180 रुपीज़ के आसपास है, इसे भी ट्राई कर सकते हो। नो डाउट ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं, बट मैं आपको कुछ और ऑप्शंस भी दिखाने वाली हूँ। उसमें से सबसे पहले ये वाला मैं आपको दिखा रही हूँ, जो कि है NYBakeup, और इसका काजल बहुत ज़्यादा अच्छा। इसका MRP है 85 रुपीज़। लाइक इसे आप ऐसा आई शेडो भी यूज़ कर सकते हो। इसका ये ऑलिव ग्रीन कलर है, मैं कहा करूँ, ये देखो बटरी सॉफ्ट है गाइस। इसे आप ऐसा आई शेडो भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको आई शेडो लगाने में प्रॉब्लम होती है तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। ये आपको बहुत सारे कलर पे मिल जाएगा, ब्लैक भी मिल जाएगा। तो ये है एक। नेक्स्ट मेरे पास ये ब्लू हेवन का है, ब्लू कलर में, इसका ब्लैक और ग्रीन भी आते हैं। तो इसका प्राइस भी 125 रुपीज़ के, 125 ही रुपीज़ है शायद। तो इसे भी आप ट्राई कर सकते हो। और मेरे पास और एक लास्ट ऑप्शन है, जो कि है Glam 21 का। ये तीनों का सेट आता है, एक है ब्लू, एक है ग्रीन और एक है ब्लैक। ये तीनों का सेट Glam 21 का आता है। ये ऑनलाइन से मैंने परचेज़ किया था, बहुत ज़्यादा अच्छा। ये स्मच प्रूफ, वाटर प्रूफ है। इसके ऊपर अलग से मैंने रिव्यू भी बनाए थे और आप सबको ये वाला वीडियो काफ़ी पसंद भी आया था। तो आप इसको अगर रिव्यू देखना चाहते हो, देख के भी आप बाई कर सकते हो। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगी। सो या इसका प्राइस भी आपको 200 रुपीज़ के अंदर ही मिल जाएगा इन तीनों का आपको। ये हो गया। तो सबसे पहले वाला ऑप्शन है मेरा ये वाला, ये है ब्लू हेवन का आई शेडो पैलेट। इसमें आप देख सकते हो सारे आपको लाइक थोड़ा सा शिमरी टाइप का मिलेगा और बहुत ही कलरफुल शेड्स आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर आपको कलरफुल आई लुक करना पसंद है तो आप इसके साथ जा सकते हो बिल्कुल भी। इसकी पिगमेंटेशन भी काफ़ी सही है, थोड़ा सा क्रीमी है, आप देख सकते हो, थोड़ा सा क्रीमी टेक्स्चर की आती है। थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर की आती है, आप देख सकते हो, पर अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। आप इसको ट्राई कर सकते हो बिल्कुल भी, आप इसे ट्राई कर सकते हो। इसका प्राइस है ओनली 75 रुपीज़। तो इसके साथ आप बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी इसको ट्राई करने के लिए। ये SFR का अल्ट्रा मेट आई शेडो पैलेट है। ये मतलब यूनिक है गाइस, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आता है ये वाला आई शेडो पैलेट। वो इसलिए गाइस, इसके अंदर आप देखो, इसके अंदर मैट शेड्स भी है। आपको यहाँ पे मिडली शेड्स पे मिल जाएगा, आपको स्पार्कली शेड्स पे मिल जाएगा। तो आप इसको ट्राई कर सकते हो एंड आपको ऑलमोस्ट हर टाइप की आई लुक आप इससे क्रिएट कर सकते हो।
तो मैं कहूँगी आप इस वाले को ज़रूर ट्राई करो। और SFR का जो आई शेडो पैलेट है ना, उस पर काफ़ी अच्छे शेड्स भी आते हैं, आप अगर कलरफुल चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगा। इसका प्राइस आई थिंक 220 रुपीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा वर्थ इट है गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपको ज़रूर एक बार इसे ट्राई करना चाहिए। अब बारी है हाईलाइटर पैलेट की, तो हाईलाइटर के लिए यहाँ पर मेरे पास है शील्स का हाईलाइटर पैलेट। लाइक ये जो शील्स का हाईलाइटर पैलेट है वो SFR का भी आई शेडो पैलेट आते उसके एकदम सेम ही है ऑलमोस्ट, तो आप इसको ट्राई कर। इसको मैंने ऑनलाइन से परचेज़ किया था, तो मैंने तो SFR का ही लिया था, बट मेरे पास जब आया तो ये आया, बट सेम ही था ऑलमोस्ट, मैंने रिटर्न नहीं किया। सो या इसका भी आप देख सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएगा, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हो। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया, अब एक ही चीज़ बाकी है, वो है लिपस्टिक। तो लिपस्टिक के लिए मेरे पास थोड़ा बहुत और भी सारे ऑप्शंस थे, बट मैं आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहती, क्योंकि ये मेकअप फ्रेंडली बिगिनर फ्रेंडली मेकअप के लिए, तो बिगिनर्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, तो इसलिए मैं कुछ ही आपको दिखा रही हूँ। लेकिन आपको 300 रुपीज़ के अंदर बहुत सारे लिपस्टिक्स मिल जाएंगे, सो मैं उनमें से ही कुछ आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैं सबसे कम प्राइस का दिखाती हूँ, जो कि है ये हिलारी हुडा का। ये ब्यूटीफुल एक पिंक शेड है गाइस, तो आपको एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही लॉन्ग स्टे करता है, लाइक 5 to 6 आवर अच्छे से रह जाता है ये आपकी लिप्स पे। तो मैं यहाँ आपको दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल पिंक एक कलर है, तो आपको इसे ज़रूर एक बार ट्राई करना चाहिए, बहुत ही ब्यूटीफुल सा इसका पैकेजिंग भी है। तो इसका प्राइस है ओनली 80 रुपीज़, तो आप ज़रूर से एक बार ट्राई कर सकते हो फ्रेंड्स। उसके बाद मेरे पास है NYBK लिपस्टिक, यहाँ पे भी मेरा शेड काफ़ी सुंदर है, जो कि आप देख सकते हो मॉवी ब्राउन। NYBK ये वाला लिपस्टिक आप ट्राई कर सकते हो, उसका शेड है 1। और उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ एक लिप क्रेयॉन, जो कि है बेला वॉस्टा का, तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हो, ये भी एक मॉविश कलर है, ये भी एक मॉव कलर है और काफ़ी अच्छा है। इसका प्राइस 140 रुपीज़ है, तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद ये मेरी फेवरेट सी है, ये बात है मेरे पास ये वाला लैक्मे का मेट लिक्विड लिपस्टिक, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है गाइस, इसका कलर मुझे बहुत पसंद है, ये मॉव कलर है इसका। और ये लिपस्टिक का प्राइस है 295 रुपीज़, पर आपको ऑफ मिल जाएगा, और अभी तो नायका पे भी सेल चल रही है, पॉपल पे भी सेल चल रही है, तो आप परचेस कर सकते हो। बट मैंने इसको परचेस किया था मैंने इसको ऑफलाइन परचेस किया था, तो मुझे फिर भी ऑफ़ मिला था, भैया ने मुझे ऑफ़ दिया था 20 रुपीज़ का, तो मुझे 270 का पड़ा था। तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर एक कलर है, मैं आपको बताती हूँ कैसा है, मैं आपको लिप्स पे लगा के दिखाती हूँ, बहुत सुंदर एक मैट कलर है गाइस, बहुत सुंदर कलर है, आपको ज़रूर से एक बार इसे ट्राई करना चाहिए, अगर आपने अभी तक नहीं किए है तो आप ज़रूर इसे अपने मेकअप पैक में रख सकते हो। और एक लिक्विड लिपस्टिक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो कि ब्राइट रेड कलर पे है, इसका शेड है बिग एप्पल बे 4, और ये NYBK का लिक्विड लिपस्टिक है, मैं आपको इसे दिखाती हूँ, तो इस तरीके का है, एंड ये बहुत ही परफेक्ट रेड है, मतलब एकदम ब्राइट रेड आप इसे कह सकते हो, आप देख सकते हो इस तरीके की ब्राइट रेड है, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। लाइक बहुत सारी लड़कियां हैं जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, तो वो लोग इसे मुझे लगता है कंफ्यूजन दूर करने के लिए रेड लिपस्टिक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लाइक आपका मूड कुछ भी हो, रेड लिपस्टिक आपकी जो मेकअप है उसको ना एकदम तुरंत ही ब्राइट कर देता है, और फेस्टिव सीजन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट शेड है, तो आप इस रेड को ट्राई कर सकते हो। एंड देन मेरे पास दो यहाँ पे L18 का लिपस्टिक्स है, मेरे पास और भी है, तो ये लिपस्टिक्स भी आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास ब्राउन कलर है, तो एक ब्राउन कलर आपके पास होना ही चाहिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसका प्राइस पहले 100 रुपीज़ था, अभी तो 75 हो गए हैं। और यहाँ पे मेरे पास ये वाला जो कलर है गाइस, हाँ ये वाला जो कलर है बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर है, लाइक ये ना ऑल टाइप की स्किन टोन पे, लाइक ऑल स्किन टोन पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत एक कलर है। इसका शेड मैं आपको बता देती हूँ, W13। यहाँ यही कुछ लिपस्टिक्स है, लाइक लिपस्टिक्स का बहुत सारे ऑप्शन आपको 300 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगा। मेबलिन का भी आप ट्राई कर सकते हो, 299 में आ जाते हैं, एंड अभी तो ऑफर चल रही है, तो आप उसे भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा लिपस्टिक से आपको कन्फ्यूज़
नहीं करना चाहती थी बिकॉज आई एम थिंकिंग कि लिपस्टिक के लिए मैं एक अलग हॉल वीडियो बनाऊंगी सो उसके लिए तो एक चीज़ छूट गया था जो मैं आपको दिखा देती हूँ वो है ये है आई लाइनर और यहाँ पे मैंने रखा है ब्लू हेवन का आई लाइनर सिग्नेचर आई लाइनर। ब्लू हेवन का और एक आता है नॉर्मल वाला वो भी आप ट्राई कर सकते हो बट उसमें उतना अच्छा इफेक्ट नहीं आता लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। इसका प्राइस है ओनली 150 रुपीज़ लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसका पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छे है तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। इनफैक्ट आप मेबलिन का भी ट्राई कर सकते हो वो भी 300 रुपीज़ के अंदर आ जाते हैं तो आप ट्राई कर सकते हो। सो गाइज ऑलमोस्ट मैंने सारे टाइप के फुल फेस मेकअप आप लोगों के साथ शेयर किया कि आपको आप अगर बिगिनर हो आपका बजट अगर कम है 300 रुपीज़ के अंदर आप कैसे अपनी मेकअप किट को फुलफिल कर सकते हो तो वही मैंने शेयर किया। सो या दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे करती हूँ मैं आपसे बाय बाय मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय टेक केयर गाइज़।